हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल इजी फार्मिंग ट्रिप पे। तो सबसे पहले आप सबको नया साल का ढेर सारे शुभकामनाएं। तो आप कैसे, आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, नया साल आपका अच्छे से जाए। और दोस्तों ये देखिए, आज हमारा पोल्ट्री का 19वां दिन है। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का हेल्थ सिस्टम अच्छा है, अभी भी कोई बीमारी का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है और काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें भी है। तो दोस्तों आप लोग मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो हर रोज बनाता ही जाऊँ। देख सकते आप लोग, देखिए मैंने आपसे कहा था कि कोई मुर्गी अगर मरेगा तो मैं उसका ट्रीटमेंट करके बता दूंगा कि क्यों किस लिए मरा है। तो आज मरा था सुबह, पर नया साल का वजह से मैं इसका वीडियो बना नहीं पाया। तो उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा मैं। आप लोग मेरा चैनल को देखते जाइएगा, आपको इसका ए टू जेड में प्रोसेसिंग बताते ही जाऊंगा। और आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो बनाता ही जाऊं और आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते जाए। देखिए अगर गर्मी का टाइम होता तो ये अभी तक 1 kg का आसपास हो जाता, और सर्दी का वजह से ये लोग इसका इतना ग्रोथ हुआ नहीं, क्योंकि सर्दी के टाइम ये खाना और पानी दोनों कम खाते हैं, इसलिए इन लोगों का ग्रोथ अभी हो नहीं रहा है उतना जितना होना चाहिए। गर्मियों के टाइम में काफ़ी अच्छा होता है। आप लोग के लिए बीमारियाँ दीजिएगा और ऑस्ट्रोवेट मिक्स करके दीजिए, और कुछ नहीं देने से भी होगा। और अगर कैल्शियम का प्रॉब्लम हो तो आप एम्बिप्लेक्स दे सकते हैं कैल्शियम के लिए, और लीवर के लिए आप दे सकते हैं लिप 52 आप दे सकते हैं। गर्मियों के टाइम में तो ORS वगैरह देना पड़ता है, जैसे कि EKRSA हो या ORS हो, मीठा वाला पानी, गुड़ वाला। तो सर्दी के टाइम में ये सब देना नहीं पड़ता है इतना। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और थैंक यू सो मच लास्ट तक मेरा वीडियो को वॉच करने के लिए। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच।